पार्टी सी एम से किस में कन्वर्ट करना है, तो इसी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, कन्या उतार लास्ट में कौन स्टेट मान लेंगे, कोई के मानता है, कोई टी मानता है, बगल में लिख देंगे ब्रैकेट में टी एच रियल पैरामीटर पैरामीटर, और यहाँ से एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना ऐसे करते हैं इक्वल टू टी। यहाँ से एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा, थ्री में टी से मल्टीप्लाई के कंस्ट्रक्ट कितना हो गया थ्री टी माइनस फाइव को उधर रख दीजिए, ये कितना हो गया, क्लियर है, समझ में आया, एक्स निकल गया। अब इसी तरह वाई निकालना इक्वल टू टी, y का वैल्यू डायरेक्ट बताओ कितना होगा, 17 माइनस कितना होगा 70 माइनस, ठीक है। इसी तरह z का वैल्यू बताओ 18 प्लस 6 होगा 2t प्लस, ठीक है। आप बोल रहे हैं इसको वेक्टर में कन्वर्ट करो, ठीक है, वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला होता है एक्स आई वाई जे और अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, एक्स का वैल्यू कितना है थ्री टी प्लस आई, वाई का 70 माइनस जेड का 2t प्लस 6 क्या जाएगा यहाँ पे हुआ। अब इसको थोड़ा सजा देंगे, सजाने का मतलब बिना t वाला एक जगह और t वाला एक जगह, ठीक है, माने ये वाला फॉर्मेट में लाना है a प्लस t इंटू बी, मतलब ये दोनों वेक्टर है टी वाला है, ठीक है, उसको सजाएंगे आई से इंटू कर देंगे कितना होगा थ्री थ्री आई और ये कितना हो जाएगा फाइव, उसके बाद वाला बोलो सेवन टी आई माइन आई फिर फोर जीरो, उसके बाद बोलो टू टी के प्लस, और खोजो बिना टी वाला कहाँ कहाँ, बिना टी वाला बिना टी बिना टी और बिना टी, बिना टी वाला एक जगह रख लो कितना हो जाएगा फाइव आई सजा के लिखो माइनस फोर बोलो क्लियर है। उसके बाद टी वाला एक जगह रख के टी कॉमन ले लो, टी कॉमन लीजिए इसमें से तो क्या बचेगा यहाँ तो बच गया थ्री आई फिर प्लस सेवन जे प्लस सेवन जे प्लस टू यहाँ पे बच गया टू एन, ये रहा तुम्हारा वेक्टर फॉर्म। तो कैसे तुमने क्या किया, कार्टेशियन से किसमें कन्वर्ट कर दिया वेक्टर में, कार्टेशियन से किसमें कन्वर्ट किया।